गाइस गुड आफ्टरनून। सो आज सुबह सुबह ही हम लोग पहुंचे थे एंड बहुत टायर्ड लग रहा था ट्रेन का सफर से, एक दिन पूरा 24 आवर्स पूरा। तो आके फिर फ्रेश हुए, देन नहाए धोए, उसके बाद सो गए थे। एंड सो के उठे तो लंच का टाइम भी हो गया था, तो लंच के लिए गए थे, चावल दाल खाए, उसके बाद आके भी बैठे हैं। एंड अभी हूँ मैं हम लोग के रूम में, तो मैं आप लोग को छोटा सा रूम का टूर दे देती हूँ। छोटा सा ही रूम है तो छोटा सा ही रूम का टूर होगा ना। सो ये है हमारा रूम एंड ये है बेड। बेड दो बेड को सटा दिए हैं एंड इधर लगेज है, इधर कुछ कुछ हमारा सामान है एंड इधर दो चेयर दिया गया है हम लोग को, एक टेबल दिया गया है जिसमें हम लोग अपना सामान रखे हैं एंड वो हूँ मैं। तो इतना ही है हमारा रूम का टूर। तो फाइनली हम लोग को ये प्रैक्टिकल का नोटबुक्स मिल गया जिसमें हम लोग को, मतलब इससे हम लोग को लिखना है। एंड मेरा तो कल प्रैक्टिकल नहीं है, मेरा 28th और 29th को है, तो मैं बच गई, मेरे को एक दिन फ्री मिलेगा लिखने के लिए। ये लोग फंस गए, ये लोग का 27 और 28th को है, तो मुझे एक दिन फ्री मिलेगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही लिख लूँ ताकि मुझे कल फ्री मिले, मैं सो सकूँ कल। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड दो प्लेट नूडल्स मांग रही थी, तो वो लोग चाउमीन को नूडल्स बोलते हैं एंड आंध्रा में थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग को अच्छे से बताना पड़ता है कि हम लोग को क्या चाहिए। और वो लोग बहुत स्पाइसी भी खाते हैं, तो हम लोग को ये भी बोलना पड़ता है कि हम लोग को लेस स्पाइसी खाना चाहिए। तो गाइस अभी ये शाम का वक्त और हम लोग आए थे यहाँ का चाउमीन खाने, तो हम लोग खा रहे हैं। ये है वन प्लेट का कितना लिया, 70, अच्छा क्वांटिटी देता है एंड इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो गाइस अनदर डे सेम व्लॉग, तो आज मुझे दूसरे गेटअप में देख रहे होगे। मैं विधवा नहीं बनी हूँ पर आज हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम फाइनली, दो दिन वेट करने के बाद मेरा टर्न आ गया एंड मुझे बहुत डर लग रहा है, पर फिर भी हम लोग आ गए हैं। यह है सेंट ट्रीजा हाई स्कूल ओंगोल, तो यहाँ पर है मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एंड आज मेरा है सोशल स्टडीज़, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। डर तो लग रहा है पर फिर भी आई कैन डू इट। एंड ठीक है गाइस, व्लॉग में बने रहिए एंड देखिए कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। सो गाइस अभी देखिए वहाँ का लोकल तेलुगु लैंग्वेज में कैसे टीचिंग होता है। Yeah.
लोगों ने देखा कि मैं पिछला क्लिप में टीचिंग प्रैक्टिस कर रही थी, तो मेरा 2 दिन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था एंड वो ख़त्म हो गया। एंड मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, ऐसे तो मैं घर में ट्यूशंस पढ़ाती हूँ, लेकिन ऐसे मतलब स्कूल में जाके पढ़ाना वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो बहुत ही अच्छा लगा, एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। लेकिन एक प्रॉब्लम था कि मतलब आंध्रा में वो लोग तेलुगु लैंग्वेज को ज़्यादा मतलब प्रीफर करते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में टीचिंग कर रहे थे, तो वो लोग को इतना तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में इतना भी ये नहीं है, आगे नहीं बढ़े हैं। फिर भी जितना वो लोग समझे एंड वो लोग के क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग को टॉपिक्स दिया गया था पढ़ाने के लिए, तो वो लोग जितना भी समझे तो अच्छा लगा। वो लोग रेस्पॉन्स के, वो चीज़ बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग पढ़ाने गए थे तो अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं करता है तो पढ़ाने का मूड भी ख़राब हो जाता है। रेस्पॉन्स किए वो बड़ी बात है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, ऐसे मतलब कोई स्कूल में जाके पढ़ाने का फर्स्ट टाइम का। तो ऐसे ही था मेरा एक्सपीरियंस। एंड मुझे तो मतलब हम लोग का सोशल स्टडीज़ था एंड एक इंग्लिश था, मेरा इंग्लिश का अच्छा गया, क्योंकि उस वहाँ पर लड़की लोग थे, लड़की लोग का क्लास हम लोग टीचिंग किए थे, वो लोग अच्छे से रेस्पॉन्स किए, सुने, आंसर भी किए। एंड सोशल स्टडीज़ में लड़के लोग का था, तो मतलब वो लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, नॉटी थे, पर कोई बात नहीं, वो लोग भी रेस्पॉन्स कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि हम लोग का टीचिंग प्रैक्टिस जो था वो एक्चुअली 4th सेम के बाद होता है, मतलब फाइनल एग्ज़ाम्स के बाद होता है, लेकिन इस बार का जल्दी हो गया, 3rd सेम के बाद ही हो गया। तो जैसे कि कुछ कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, पर मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बीएड कर रही हूँ, यहाँ से बीएड परस्यू कर रही हूँ। तो कोई कोई लोग को लगता है कि आंध्र प्रदेश का मतलब जो बीएड करते हैं वो लोग को वहाँ मतलब हम लोग उड़ीसा में वो वैलिड नहीं होता है, फेक होता है बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग अगर उड़ीसा में पढ़ते हो तो वहाँ का डिग्री लेके कहीं बाहर भी तो जॉब करने जाते हो ना, एंड जैसे हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ का यूनिवर्सिटी का लेके हम लोग वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। एंड हम लोग का तो उड़ीसा में ऐसे है कि हम लोग को CTET एग्ज़ाम देना पड़ता है, OTT एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर OSTT होता है, तो वो सब क्लियर करने के बाद ही हम लोग को गवर्नमेंट स्कूल्स में क्वालिफिकेशन के थ्रू हम लोग को जॉब मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेक है। एंड हाँ, एक बात है कि यहाँ का कोई भी कॉलेज में अगर कर रहे हैं तो आप लोग ये देखिएगा कि ये NCT अप्रूव्ड होना चाहिए तो ही वैलिड रहेगा। अगर वो NCT अप्रूव नहीं रहेगा तो वो क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है, पर NCT अप्रूव रहना चाहिए। तो यही एक पॉइंट था जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। तो ऐसा ही कुछ है जो कि लोग सोचते हैं कि फॉल्स एलिगेशंस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को अगर मतलब कहीं गवर्नमेंट जॉब करना है तो आप लोग को OTT, हम लोग को उड़ीसा में OTT होता है, देन CTET है, फिर OSTT होता है, वो सब क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं तो एक इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रही थी एंड इसका मेन ब्रांच है भुवनेश्वर में, एंड मैं राउरकेला ब्रांच के थ्रू कर रही थी। तो हम लोग का ऑल टोटल 2 ईयर्स का कोर्स फी तो है 70, तो इतना में हो जाता है, एंड आने जाने का खर्चा तो वो हम लोग का ही रहता है। तो यही था, इस बार का मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब सब लोग के सामने पढ़ाना, एंड वहाँ एक्सटर्नल इंटरनल भी थे, मतलब वो स्कूल के कोई टीचर्स एंड बाहर से भी आए थे, तो वो लोग के सामने भी अच्छा लगा, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा ही था। सो गाइस, यही था कुछ छोटा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, एंड मेरा एक्सपीरियंस तो ओवरऑल अब तक अच्छा ही है इसके साथ, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आया नहीं है। हम लोग का आने जाने में भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो सब कुछ वो कर देते हैं, बस हम लोग को आना रहता है, रहने का भी वो लोग कर देते हैं एक लॉज में। तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग एंड आज का मेरा ये छोटा सा ज्ञान यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, टिल देन बाय बाय।